फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के LIC से जुड़े ऐसे सवाल होते हैं जिनके उनको जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों को मैं कवर करने वाली हूँ और 5 सवालों के मैं आज जवाब देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ वो काफ़ी आपके काम आएगी। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पहले से भी पता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें पहले से पता नहीं हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिसको इसकी नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ लोगों के पास LIC पॉलिसी है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कि LIC में पॉलिसी ले रखी है, तो उससे जुड़े उनके काफ़ी सारे सवाल होते हैं जिसके कि उनका जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं वही सवाल के जवाब आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सवाल की कि क्या क्या हमारे सवाल है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सवाल है, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि वो 3 साल LIC चलाने के बाद पैसा ले सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि नॉमिनी कितनी बार बदला जा सकता है LIC पॉलिसी में। तीसरा सवाल हमारा है कि अगर LIC का जो हमारा एजेंट है बीमा की किस्त लेने नहीं आता है तो क्या करें, क्या उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट करवा सकते हैं, कस्टमर केयर से कंप्लेंट कर सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है पॉलिसी पर कितना लोन ले सकते हैं। और पाँचवा हमारा पॉइंट है पॉलिसी को चालू कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके देने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे ये है कि, और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हमने LIC में पॉलिसी ले रखी है और हम उसे 2 या फिर 3 साल बाद अगर उसको बंद करवाना चाहें, अपना पैसा निकलवाना चाहें, तो क्या हम निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जी हाँ, आप अपना पैसा बिल्कुल निकलवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि 2 साल में या फिर 3 साल में, तो फ्रेंड्स LIC में कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिनका कि आप 3 साल बाद ही उनको सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी भी हैं जिसको कि आप 2 साल बाद भी सरेंडर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करते हैं कि आपकी पॉलिसी कौन सी और किस समय आप लोगों ने पॉलिसी ली है। अगर आपने 2020 के बाद पॉलिसी ली है, और वो भी पॉलिसी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि उन पॉलिसीज़ को अगर आपने लिया है और 2020 के बाद लिया है, तो आप 2 साल बाद सरेंडर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी पुरानी है तो 3 साल बाद आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान देने वाली बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पॉलिसी और आपने कौन से साल में ली थी, उसके हिसाब से ही आप अपनी पॉलिसी का पैसा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग अपना पूरा पैसा ले सकते हैं या फिर आपको कुछ पैसा कट के मिलता है? तो फ्रेंड्स, आपको पूरा पैसा कभी भी नहीं मिलता है। LIC ने जो भी आपको बेनिफिट के, यानी कि जो राइडर्स दिए हैं, उसका पैसा काट लेती है, और इसी के साथ साथ जो भी GST होता है वो काट लेती है। इसी के साथ साथ जो उसकी सर्विस है, यानी कि बॉन्ड पेपर का खर्चा, रिसिप्ट का खर्चा, वो सारी चीज़ें भी LIC काटती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे चीज़ें काटने के बाद LIC आपको आपका पैसा दे देती है, लेकिन आपका पैसा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपनी पॉलिसी 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर चला रखी है और अगर आप लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी पॉलिसी को बंद करवा कर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सरेंडर का जो पैसा है वो आपको कितना मिल सकता है, तो ये जानने के लिए आप लोग कस्टमर केयर, LIC के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जिसका कि नंबर मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से भी कस्टमर केयर से बात करके अपनी सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल बताती हूँ। हमारा है कि क्या नॉमिनी को कितनी बार, यानी कि आप अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं, नॉमिनी को कितनी बार बदलवाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी लेते समय वो अपने मदर या फिर फादर को नॉमिनी बना देते हैं, अपने भाई बहनों को भी नॉमिनी बना देते हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को या फिर और किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पॉलिसी में एक बार नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को बदल नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली होती है, इसीलिए आप जिसको भी नॉमिनी बनवाते हैं, सोच समझ के नॉमिनी बनवाएं। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि अगर आपको जो एजेंट है, LIC का एजेंट है जिसने आपकी पॉलिसी की थी, अगर वो एजेंट आपका बीमा यानी कि किस्त लेने नहीं आता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या आप कहीं और से बीमा जमा करवा सकते हैं?
तो फ्रेंड्स आपको ये बातें पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन आप अपनी LIC, आपकी LIC अगर किसी भी ब्रांच की है, अगर आपकी LIC है वो मुंबई की है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली में कहीं से भी अपनी किस्त को जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप फ़ोनपे या फिर पेटीएम से या फिर गूगल पे से या फिर और जो हमारी LIC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके भी आप अपनी जो किस्त है जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर LIC एजेंट हमारा बीमा नहीं लेने आता है, जिससे कि हमने बीमा करवाया था, किस्त लेने नहीं आता है, तो क्या उसके खिलाफ़ कंप्लेंट हो सकती है? तो फ्रेंड्स उसके खिलाफ़ यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है, क्योंकि जो एजेंट है उसका काम होता है आपको बीमा देना, बीमा बेचना। बीमा देने के बाद अगर वो आपसे किस्त नहीं लेता है, तो फ्रेंड्स ये सर्विसिंग का काम है कि वो आपका एजेंट आपको सर्विस नहीं दे रहा है, तो इसके बेस पे किसी भी एजेंट की आप कंप्लेंट नहीं कर सकते और जो एजेंट है उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये तो डिपेंड करता है कि आपने एजेंट कैसा चुना है, इसलिए जब भी आप लोग पॉलिसी करवाते हैं सही व्यक्ति को चुने, सही एजेंट को चुने, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट रख सके। फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी होता है कि जिससे आप पॉलिसी लेते हैं वो 2-3 साल या फिर 10 साल बाद अपनी जो कंपनी है उससे टर्न कर लेता है, किसी और कंपनी में एजेंट बन जाता है या फिर वो इंश्योरेंस का ही काम छोड़ देता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि वो आपकी किस्त तो लेने नहीं आएगा, इसीलिए आप खुद ही अपनी किस्त जमा करवा सकते हैं नियर बाय ब्रांच में जाकर या फिर फ़ोनपे पेटीएम से, या फिर मैंने आपको ये चीज़ें सारे ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं कि कैसे आप लोग अपनी पेमेंट को जमा करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम लोन लेना चाहें तो क्या हम अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, आप अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि लोन वैल्यू कितनी हो सकती है, तो फ्रेंड्स जितना आपने पैसा जमा किया है उसका लगभग से लगभग आपको 60-70% यहाँ पे लोन मिल सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कौन सी है। तो फ्रेंड्स आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही कोई लोन चल रहा है, यानी कि आपने पहले ही एक लोन ले रखा है और आप उसी पॉलिसी पे फिर से लोन लेना चाहते हैं, तो जब तक आप एक लोन नहीं चुकाएंगे आपको दूसरा लोन नहीं यहाँ पे मिल पाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी लोन अगर आपने लिया है और उसका आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, तो उसको समय से अपना इंटरेस्ट ज़रूर पे कीजिए, क्योंकि LIC जो आपका लोन है उसके इंटरेस्ट पे अगर आप लोग पे नहीं करते तो उस पर और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और ये एक समय बाद जितना आपका लोन होता है उतना ही आपका इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसे समय से जमा करवाते रहिए। फ्रेंड्स लास्ट और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि रिवाइवल अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, बंद पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं, तो क्या आप करवा सकते हैं? दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी को बंद हुए 5 साल से कम हुआ है, यानी कि आपने जब भी अपनी पॉलिसी को बंद करवाया था तो अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। लेकिन अगर बंद हुए पॉलिसी को 5 साल बीत चुके हैं तो आप अपनी पॉलिसी को चालू नहीं करवा सकते हैं, चाहे तो आपकी कितनी भी पुरानी पॉलिसी हो। अब दोस्तों एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी 2010 से आपने बंद कर रखी है और आप उसको 2016 में चालू करवाना चाहते थे, तो वो आपकी चालू नहीं हुई होगी। लेकिन अगर कुछ लोगों ने 2010 में पॉलिसी देना बंद किया होगा और वो 2015 में चालू करवाने गए होंगे, तो उनकी पॉलिसी चालू हो गई होगी। यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं, 5 साल के बाद आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को चालू नहीं करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी सारा पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो में आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेज देने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो में अगर आप लोग कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हर यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।